भूल कर भी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और सभी दर्शकों का भी स्वागत है। आज हम एनडीएस के नए एक्सपीरियंस के साथ आपसे जुड़े हैं, आपसे मिले हैं। तो सर्वप्रथम आपका पूरा नाम बताएंगी? मेरा नाम भावना जितेंद्र राय मोगिया है। फिर से एक बार। मेरा नाम भावना जितेंद्र राय मोगिया है। आप कहाँ की रहने वाली हो? पोरबंदर रावलिया प्लॉट। अच्छा, पोरबंदर से हैं। और आपकी उम्र? 41। और आप घर का काम संभालती है, गृहिणी है? हाँ। अच्छा, और आपको इसके बारे में किसने बताया? मैंने जिग्नेश भाई छिलावड़ा के यूट्यूब में देखा था। अच्छा, उसके सारे वीडियोस आपने देखे? सब वीडियो देखे। बरोबर है। और आपको मोटिवेशन मिला, प्रेरणा मिली कि ये सिस्टम करने जैसी है? हाँ। अच्छा, और आपको शारीरिक दुविधाएं, तकलीफ, उसमें क्या परेशान थी स्वास्थ्य के रिलेटेड? मैं थक बहुत जाती थी। अच्छा, पेट का दुखावा था। बरोबर। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और पाँव का दुखावा, पाँव दुखता था। ओके ओके, बरोबर है। और कुछ? और थायराइड है। अच्छा, तो इससे आपको विश्वास मिला होगा? हाँ। कि चैनल के माध्यम से कि ये रोग हैं वो बिना दवाई के और बिना खर्चे के जा सकते हैं। जा सकते हैं। ये इतना सब कुछ अच्छा हो गया कि थायराइड भी 100% अच्छा हो ही जाएगा। बरोबर, ये आपका विश्वास इस सिस्टम के प्रति है? पूरा विश्वास है। बरोबर है, बहुत बढ़िया। और आप रिव्यू देखती होंगी चैनल के ऊपर सभी लोगों के? हाँ, देखती हूँ। बरोबर। और अभी आपका जो एनडीए स्टार्ट किया तब से आज के दिन तक, उसमें आपको कितना वेट लॉस हुआ है, सबसे पहले तो ये बताएंगी? 60 किलो 100 ग्राम वेट लॉस हुआ है। मेरा पहले 77 केजी 600 ग्राम था, अब मेरा 70 केजी है। ओके ओके, मतलब 7 केजी और 100 ग्राम, एकदम परफेक्ट। इतना एक महीने में ही आपको परिणाम? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से आपने ये एनडीएस फॉलो अप लिया है। और सुबह में आप जब उठती हैं तो किस तरह का शेड्यूल रहता है, वो इन शॉर्ट बताएंगी? सुबह में उठती हूँ तो थोड़ी देर में एनिमा ले लेती हूँ। बरोबर। फिर फास्टिंग ही होता है 12 बजे तक। 12 बजे ग्रीन चीज पीती हूँ। थोड़ी देर बाद जब कुछ खाने का मन हो तो सलाद या फ्रूट खा लेती हूँ। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद इच्छा हो तो फिर से फ्रूट या कुछ कच्चा ही खाती हूँ, पका नहीं खाती, पक्का एक ही टाइम खाती हूँ। बरोबर है, बहुत बढ़िया। और नेचुरल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड? हाँ। रहती है। 5 कलाक का फास्टिंग हर रोज करती है? हाँ। अच्छा, जितना फास्टिंग ज्यादा होगा उतना ही फायदा ज्यादा मिलता है शरीर को। और लंघनम परम औषधम, सबसे बड़ा औषध हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि उपवास है वो सबसे बड़ी औषधि है। तो आपने अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से ये एनडीएस फॉलो किया है, मेथड 2, जिनमें पूरे दिन में कच्चा और रात में पक्का भोजन। तो रात के पक्के भोजन में आप क्या लेती हैं? बाजरे की रोटी और वेजिटेबल्स। बरोबर है। और कितने समय पे लेती हैं? 7 बजे 8 बजे? 8 बजे, 8 के आसपास। अच्छा, तो अभी ये एनडीएस सिस्टम करके आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव आए हैं? मतलब आप कमजोरी महसूस करती है या फ्रेशनेस फील करती है? बहुत ही फ्रेश महसूस करती हूँ। बरोबर है। कभी अभी इस एक महीने के दौरान आपको कोई दिक्कत हुई है तो बताएंगी? कोई दिक्कत नहीं हुई है। एक बार सिर्फ कमजोरी एक दिन के लिए महसूस हुई थी, वो थोड़ी देर आराम किया तो अच्छा हो गया। बरोबर। और एक महीने में मैंने एक भी गोली नहीं ली, वरना मैं रोज रोज गोली लेनी ही पड़ती थी। किसकी गोली आप लेती थी? एक दिन माथे की गोली, एक दिन पेट की गोली, फिर माथे की गोली। अच्छा अच्छा, तो ये चलता ही रहता था। और शरीर में भी जो दर्द है वो कुछ न कुछ आपको सताता था, तो दर्द दूर करने के लिए भी अभी आप गोली लेती हैं कुछ? एक भी नहीं, एक महीने से एक भी गोली नहीं ली है। वो वंडरफुल रिजल्ट है कि आपको एक महीने में ही दवाइयाँ छूटने लगी है, बंद होने लगी है। और चौहान साहब का ये मिशन है दवाइयों बगैर दुनिया, तो ये तो सही में सार्थक हो रहा है। सभी माताएं बहनें
बिना दवाइयों के अच्छी तरह से घर पे अपना जो जीवन है व्यतीत करने लगी है, तो हमें भी खुशी होती है कि इस मिशन के हम भी हिस्सेदार अभी बन गए हैं, कि लोगों को दवाइयाँ छुड़ा रहे हैं, बिगर दवाइयाँ अपने आप ही स्वास्थ्य को प्राप्त करा रहे हैं। और अभी आपने जो कहा कि थायराइड का प्रॉब्लम है, कोई रिपोर्ट करवाया थायराइड के बारे में? कोई रिपोर्ट नहीं करवाया। अच्छा, तो उसमें भी आप डॉक्टर की सलाह लेके अपना रिपोर्ट्स भी आगे करवा लेगी, तो आपको पता चलेगा कि कुछ न कुछ क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है थायराइड में। थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, तो हमें एक अच्छे ढंग से अच्छी तरह से इस सिस्टम को फॉलो करते रहना है, तो वो भी दर्द चला जाएगा। तो आपका एक विश्वास जो है वो बढ़िया है इस सिस्टम के प्रति, कि आपको ये दर्द भी आगे के लिए चला जाएगा, ये कॉन्फिडेंस महसूस आज भी कर रही हैं। तो आप बाकी की बहनों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी इस एनडीएस के बारे में? हाँ, मैं मैसेज देना चाहूंगी कि एनडीएस जरूर करना चाहिए, इससे हमें कई तरह के लाभ होते हैं। बरोबर, सभी बहनों को, भाइयों को या बच्चों को, किसको? सबको करना चाहिए। सबको करना चाहिए, बरोबर है, क्योंकि ये सिस्टम है वो किसी एज के या किसी जाति के उसके लिए नहीं है, ये मानव जात के लिए है, बच्चों से लेके बूढ़े कोई भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है, इतनी ये अच्छी और बढ़िया सिस्टम है। तो जितना आप अच्छी तरह से फॉलो करती रहेंगी उतना ही परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। कोई जो डिजीज है लंबे समय से, उसको दूर करने के लिए आपको पूरा दिन कच्चा भोजन पे भी जाना पड़ेगा। कोई बार कोई रोग नहीं जाता है तो पूरा दिन कच्चे भोजन पे 2 महीने 3 महीने रहकर इस रोग को हटाना होता है, तो उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, तैयार हाँ जी हाँ। और आप इस चैनल पे आई और इतनी अच्छी जानकारी दी, और इस तरह मिलते रहना, और ये एनडीएस सिस्टम जो है वो फॉलोअप करते रहना, और आगे के लिए आप ये सिस्टम शुरू रखेंगी या कोई तकलीफ है? शुरू रखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करती रहो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी भारत की बहनें, माताएं, पूरे विश्व की सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद, आभार, प्रणाम, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।